हाय फ्रेंड्स, हम बनाएंगे नारियल मावा बर्फी। रेसिपी सही ना ले तो कभी बर्फी हार्ड और कभी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाती है, पर ये बर्फी 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। इस दिवाली बनाइए मेरे तरीके से नारियल मावा बर्फी। रेसिपी शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इंडियंस किचन क्वीन में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये ड्राई वाला डेसिकेटेड नारियल है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पर हमने घर पर ही बनाकर इसे तैयार किया है। आप भी घर पर ही तैयार कर बर्फी के लिए यूज कर सकते हैं। आप मार्केट से नारियल ला सकते हैं या फिर घर पे भी इस प्रकार टूटे हुए नारियल रखे रहते हैं, उनका भी यूज आप कर सकते हैं। नारियल के ऊपर वाला हिस्सा जो ब्लैक पार्ट रहता है उसे निकाल देना है। ब्लैक पार्ट को निकालने के लिए ग्रेटर की मदद लीजिए। तो हाथों पर ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा घिस करके ब्लैक पार्ट को निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, ब्लैक पार्ट हमने निकाल दिए हैं और नारियल एकदम तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी नारियल हैं, ब्लैक पार्ट निकाल देना है और नारियल को तैयार कर लेना है। अब नारियल को केस करके तैयार करना है तो मीडियम साइज वाला ग्रेटर लीजिए और उसी से ग्रेट करके तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं छोटी सी प्रोसेस से कितना बढ़िया मार्केट जैसा नारियल केस बन करके तैयार हुआ है। इसी प्रकार नारियल केस बनाकर रख सकते हैं और जब भी जरूरत हो इसका यूज कर सकते हैं। 3 नारियल से 200 ग्राम के जितना नारियल केस बन करके तैयार हो गया है। दिखता ज्यादा है, वजन में हल्का होता है। अब हम गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई या पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। 2 छोटी चम्मच घी डालने के बाद ग्रेट किया हुआ नारियल डाल करके चलाना स्टार्ट करेंगे। नारियल में ऑयल होता है तो घी कम ही यूज किया जाता है। आप बगैर घी के इसे रोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। रोस्ट करने से मतलब नारियल में क्रंचीनेस आ जाए, इसीलिए नारियल को रोस्ट किया जाता है। मीडियम फ्लेम में ही नारियल को रोस्ट करेंगे। 2 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में ही रोस्ट करते हुए नारियल कितना बढ़िया क्रंची हो गया है। कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, उंगलियों से दबाने पर ही टूट रहा है। तो इतने बढ़िया तरीके से हमारा नारियल तैयार हो चुका है। ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देते हैं। 2 मिनट बाद ठंडा होगा, फिर इसे जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने रख देना है और उसमें मावा डाल देना है। तो मैंने 200 ग्राम नारियल के लिए 100 ग्राम मावा लिया है, 400 ग्राम शुगर है, 200 ग्राम नारियल और 100 ग्राम मावा, 300 ग्राम के लिए 400 ग्राम शुगर यूज किया है। जो फीका खाना पसंद करते हैं वो सेम क्वांटिटी यानी 300 ग्राम के लिए 300 ग्राम भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे चलाना स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद अपने आप ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। शुगर ज्यादा क्वांटिटी में है, मावा कम है तो 2 चम्मच पानी का यूज कर सकते हैं, इससे शुगर पिघलने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद शुगर और मावा पिघलने लगे हैं। कुछ देर और हमें इसी प्रकार चलाते रहना है। 5 से 7 मिनट और लगने वाले हैं ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर मेल्ट होने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मावे में बबल्स उठने लगे हैं, साइड से आप देखेंगे थोड़ा सा वाइट पार्ट सा इकट्ठा होने लगा है, यानी चाशनी सी बनना स्टार्ट हो गई है। नारियल को डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मावे में नारियल मिक्स करते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम ही रहने दीजिए। 2 मिनट में ही आपका नारियल मिक्स हो जाएगा। कितनी बढ़िया थिक कंसिस्टेंसी में हमारी मिठाई या बर्फी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब लीजिए ट्रे या फिर थाली जिसमें आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं। घी लगा करके तैयार कर लीजिए। तैयार बर्फी को थाली में डाल दीजिए और चम्मच से थोड़ा सा फैला दीजिए। मेरे चैनल में मावा बर्फी की रेसिपी भी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे सीक्रेट जिससे मिठाई लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहती है, तो उसे कैसे परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है ये तरीका भी आपको मिल जाएगा। बर्फी सेट करने के बाद कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं ताकि मिठाई बहुत ही बढ़िया दिखे। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उनसे भी डेकोरेशन कर सकते हैं।
नारियल मावा बर्फी को सेट होने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगा है। इस मिठाई को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, 10 मिनट में ही ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और सेट भी हो जाती है। नाइफ की मदद से आप जल्दी से कट कर सकते हैं और डिब्बे में बंद करके इसे रख सकते हैं। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार की बर्फी मिठाई अवेलेबल है, पर घर पे बनाई हुई बर्फी की बात ही कुछ और रहती है। आप बिजी होने के कारण बर्फी नहीं बना पाए तो फटाफट से नारियल मावा बर्फी बना करके आप दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। वाओ, बर्फी तो कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। नारियल मावा बर्फी बनाइए दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। इंडियंस किचन क्वीन को टच करके और भी रेसिपी वीडियो देख सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलने आते हैं एक और रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।